मार्जिन बनाएगा लोग सारे क्वालिटी एंडुल लेके आया, सारे क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास, और भी थे और एक 9-10 और वो सोल्ड हो गए फार्म पे। क्या नाम है आपका? सेलिब्रिटी कैसी लगी? Did you find anything? Not yet. What's your name? What's your name? Amesh. And where are you from? Jogeshwari. Jogeshwari, right? Yeah. They watch your video very regularly. Where in Jogeshwari do you stay? SMG ke residence. Acha, piche hai kuch. Yeah. Khed se aaye ho tum? From Khed. Abhi main tha wahan pe NTR net ke liye kaam kar. Dekha aap video. Wahan aas pass rehte ho aap? Wahan pe Chapoli mein. Chapoli mein jo? To farm chhod ke yahan pe aane ka. एक से डेढ़ घंटा पीछे होता है निकेतन। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश में तो है नहीं, ये सिर्फ बकरों का है तो बकरी और भैंस से मिला है, ओनली बकरे का है भाई। इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, ब्लॉग बाय फातिक। फातिक किसका ब्लॉग डालते हो? मैं बकरे का सब कॉन्टेंट डालता हूँ, बिल्ली का। कहाँ से लेना? संभल से आए हो? यूपी मुरादाबाद में। अभी तो ताहरपुर में एक मंडी लगती है, तो वहाँ पर नहीं गए आप? 3 साल से आपके सब्सक्राइबर है, बात दिखे। आपका नाम क्या है? अबू तला। अच्छा तला। ओ मैडम कितने का है जोड़ी? 4.5 लाख रुपए की। यहाँ लेके आया था वो ओरिजिनल के, 2 दिन बकरे यहाँ से अपलोड करके इंशाल्लाह मिल्लत नगर चले जाएंगे। ये ऑन एन एवरेज 65 किलो दे रहे हो? 590 केजी। अब जब गेट पे जाओगे ये गेट स्कैन करेगा, गेट पे जो ऑपरेटर रहेगा वो स्कैन करके आधे से फाड़ के अपने पास रखेगा, ये सब फाड़ के रखेगा, ये सब आपको देगा। लास्ट ईयर 186 या 187। क्या नाम है आपका? आमिर। कैसे मालूम आपको? मम्मू यहाँ से गिरा। देख मम्मू इसलिए देखो नहीं लाता। देवनार में हगना है आ जाओ हगा दूंगा, गोवंडी में हगना है आ जाओ बॉस हगा दूंगा, कहीं पर भी हगना है बॉस आ जाओ, अच्छे अच्छे बाथरूम में हगा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एफएससी एंटरटेनमेंट में स्वागत है। हमारे साथ है मासेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड बीच में कौन है तू? मम्मू मोहम्मद फकीरा एंड माय नेफ्यू अयान जरीवाला, एंड चेहरा तो बता। ठीक है, वी आर गोइंग टू देवनार फर्स्ट डे, एंड द बेस्ट पार्ट इज फ्लाईओवर बन गया है, अभी कोई ट्रैफिक वाफिक नहीं मिलती है, सीधा फ्लाईओवर से रपा रप जाने का है ना। कहाँ पे उतरेगा फ्लाईओवर? CST। और फिर वहाँ से ये CST वाले फ्लाईओवर के पास CST फ्लाईओवर के पास उतरेगा, नहीं तो यही रास्ता क्लियर करने के लिए 1 घंटा लग जाता था, अभी 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। सो वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन बॉम्बे, इट्स वेरी इजी टू कम्यूट फ्रॉम अंधेरी टू देवनार। ये है हम कुल्ला में, बम्मू लोगों की कंप्लेन है, तू कुछ बोलता नहीं है यार वीडियो में, अभी बहुत पकाता है। अरे क्या बोलता था पहले, भूल गया तू? हाँ अभी तेरा टारगेट ये है मिशन कि भाई तेरे को सबसे सस्ता बकरा खरीदना है, बजट कितना है? मेरा बजट है 15,000 तक लास्ट। 15,000 का बकरा, लेकिन कितना बड़ा बकरा, बड़े से बड़े इरिटेट करेगा बकरे वाले लोगों को। ठीक है माइक दूंगा मैं तेरे को, एंड आई रिकॉर्ड फ्रॉम अ फार डिस्टेंस, ठीक है? लेट्स सी इफ यू कैन कन्विंस। फ्लावर चलने का करने का चलने का
सीधा गोवंडी वाले सिग्नल पे ना अम्मू चला गए भाई देवनार, मुंह नहीं खुला ना आज तो देख तो बॉयकॉट करेगा किसी से। माजिन बनाएगा ब्लॉग बड़े के बाड़े में है। हम क्या नाम है आपका? सलमान। कहाँ के रहने वाले हो? गौतम नगर। रुको इतनी भी गाय गाय ये लोग कुछ तो गाय है, बकरे नहीं ले रहे। रुको ये लोग कोई गाय है। कितने में लिया आपने? 160 में बोला। 1,60,000 में 6 बकरे। हाँ माशाल्लाह। कितना बोला था पहले इनका? 2,00,000। वेरी गुड। 180 बोला था। मामू सबसे पहला न्यूज क्या न्यूज है? सबसे पहले तो ये वाला गेट तो बंद है। कौन सा वाला गेट है? ये धक्का गेट है। क्यों बंद है मालूम नहीं, अभी वो लोग बोल रहे बंद है, आगे वाला गेट चालू है। और आज हम लोग ढूंढेंगे 10,000 में बकरा, बड़े से बड़ा बकरा। हाँ तेरे को चाहिए? हाँ मेरे को चाहिए। कितना बड़े? बाप तो बहुत कमाता है, 10,000 में क्या मिलेगा? 10,000 में लेंगे और जान दो कैश बता रहे हैं। जीपे करूँगा। जीपे क्या करेगा? जीपे करूँगा। 10,000 में ही ढूंढेंगे, उससे 1 रुपया ऊपर देंगे नहीं। तो स्टार्ट कितने से करेगा? स्टार्ट 7,000-8,000 से करेंगे, 15,000 तक लास्ट। लात मार के भाई पब्लिक। अरे देखो अभी मेरी कैसा भाव ताव करता हूँ, देखो कैसा भाव करूँगा। मैं माइक तेरे को दे दूंगा और दूर से रहूंगा। हाँ करेगा ना? हाँ करूँगा। मामू पब्लिक बोल के आवाज़ दे रही है तो मज़ा आता है ना मामू। तो ये है देवनार बकरा मंडी, एशिया की एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी बकरा मंडी है। मम्मू ये साल बहुत ढूंढ रहा है हम लोग से बड़ा बकरा, मिल नहीं रहा है। क्यों ऐसे मम्मू? मिल ही नहीं रहा है। हम लोग इस बार बहुत लेट गए फार्म, थोड़ा जल्दी जाने का था, लेकिन इस बार बहुत लेट गए। बकरी का अब तो नहीं लगी है, 90% ऑफ। 90% क्लियरेंस सेल। देखो ना कल आ लेते हैं बट नहीं दूंगा, ले लो। चलो वालेकुम, हाउ आर यू? गुड गुड फाइन, हाउ आर यू? गुड गुड थैंक यू। मम्मू हाउ आर यू? फाइन। मम्मू का पहला टास्क क्या है? पहला तो 10,000 का बकरा ढूंढने का। यहाँ पे 10,000 रुपए का मिल गया तो अच्छा है। वो जो भी रेट बोलेगा कन्विंस करना है 7,000-10,000 में देने का, ठीक है? हाँ। अंकल आज मम्मू कर पाएगा? अंकल अरे अंकल अंकल नहीं, वहाँ पे जाना उठ के। हाँ तो एक्साइटमेंट खत्म हो गया। 10,000 में कैसे भी निकाल गया बकरा। अंकल ये बकरा कितने का है? क्या बोल रहे? इनका नहीं है। किसका है? जाके ढूंढ अंदर। ये बोल रहे कहीं गया है वो। चल तो दूसरी जगह। भाई बहुत गलती है मंडी में, बहुत पब्लिक। ये तो बहुत भारी भारी बकरे आए सब। गर्दी कितनी है लोग? गर्दी एक टेंट में मामू बहुत गर्दी। अबे अबे आया भाई। तो सबसे पहला भाड़ा इनफैक्ट बहुत अच्छा बने। क्या नाम है आपका? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम राहिल है। राहिल भाई कहाँ से आए हो आप?
जी अलहमदिल्ला अपन बॉम्बे के ही है। कहाँ पे? बॉम्बे, बॉम्बे टाउन के हैं, मझगांव के। जी ले अपना फार्म हाउस है बदलापुर में। बदलापुर में जी। और सारे क्वालिटी एंडुल लेके आए? सारे क्वालिटी अलहमदिल्ला अपने पास। और भी थे और एक 9-10 और वो सोल्ड हो गए फार्म पे से ही। तो अभी फिलहाल एक्चुअली बदलापुर के ज्यादा कोई आता नहीं है, किसी को मालूम नहीं है, तो वो हिसाब से देवनाथ में। कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस अंदर लाने का? अलहमदिल्ला एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, लेकिन बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हो, बोले यार टायर्ड हो गया। नहीं भाई, बहुत बहुत वक्त लग गया, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 2.5 घंटा हो गया। पूरा प्रोसेस क्या है, समझाओगे हमारे ऑडियंस को? प्रोसेस ऐसा है कि गाड़ी अंदर लाने का पैसा है, पहले पौधी बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद में बकरे की पौधी बनती है, उसके बाद में बाड़ा जो उनकी मर्जी का होता है वो देते हैं। अच्छा, हमको जो चाहिए तो कुछ पैसे देके भी आप नहीं ले सकते? नहीं, पैसे देके भी आपको नहीं मिलेगा, कोई चांस नहीं है। मैंने पर्सनली कोशिश किया पर नहीं हुआ। लाल भाई, इज दिस योर फर्स्ट टाइम इन देवनार बकरे बेचने के लिए? नो, दिस इज माय सेकंड ईयर इन देवनार। हाउ वाज योर लास्ट ईयर? लास्ट ईयर वाज हमारा एक्चुअली लॉकडाउन के पहले वाला साल था। डिड यू मैनेज टू सेल ऑल योर गोट्स दैट टाइम? नो 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 नो, कुछ बच गए थे, 4-5 बच गए थे, वो हमने कंटिन्यू किए। तो क्या बचे गए थे उस टाइम पे? मार्केट वाज लाइक सब बारिश काफी थी और खस्सियों में निकल गया था। पर बारिश तो शायद कल शुरू हो जाएगी। बारिश तो यहाँ पे भी शुरू होगी, पर इंशाल्लाह अल्लाह खैर है, अल्लाह की मर्जी। देखिए क्योंकि जानवर डरे क्वालिटी के, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। आप लोग जनरली मार्केट पे ब्लेम करते हो, डोंट यू थिंक योर प्राइस इज रिस्पांसिबल फॉर नॉट? सॉरी, डोंट यू थिंक योर प्राइस इज रिस्पांसिबल फॉर योर गोट्स नॉट? देखिए सर, मैं भी फार्म वाला हूँ। प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं भी फार्म वाला हूँ, और एज अ फार्म वाले के हिसाब से देखने जाओगे ना तो जानवर लेके एक साल पालना स्पेशली अंडुल नॉट अ इजी जॉब फॉर एनी फार्मर। आई एम श्योर। डू यू थिंक इट्स अ फेलियर ऑफ अ फार्म टू नॉट बी एबल टू सेल योर गोट्स बिफोर देवनार स्टार्ट? क्योंकि दिस इज लाइक लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट यानी और कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो यहाँ पे। देखिए वो फार्म पे अंडुल बकरे नहीं बिकने का रीजन यही है कि एंड मोमेंट पे फार्म पे जो है ना लोग खस्सी बकरे लेके आ रहे हैं, तो उसमें अंडुल लोग क्या कर रहे हैं, खस्सी सस्ते में लेके आ रहे हैं और अंडुल नहीं जा रहे हैं। तो वो हिसाब से हम देवनार आए हैं क्या, क्योंकि शौकीन लोग यहाँ पे ज्यादा आते हैं कि फार्म पे आने के बेहतर है। ओके, क्योंकि देखो हर किसी के पास गाड़ियाँ नहीं होती है। जी जी, ठीक है। तो क्या लोग बाइक ट्रांसपोर्टेशन काफी इजी है यहाँ पे आने के लिए, काफी शौकीन के लोग है, आते हैं, इंजॉय करते हैं, ले लेते हैं। वैसे क्या नाम है आपके फार्म का बदलापुर में? बदलापुर में अपना फार्म है रेवोल्यूशन गोस फार्म के नाम से। रेवोल्यूशन लाया आपने? अभी तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह किए हमने 2 साल से। देखो इंशाल्लाह लॉकडाउन। जी जी, so जी. How have you देखिए हमारे लिए तो हमने काफ़ी रेवोल्यूशन लाया, क्योंकि लास्ट ईयर हमने लॉकडाउन के पहले हमने बहुत कम बकरे थे हमारे, लेकिन अभी अल्लाह ताला ने उतना नवाजा है, तो इंशाल्लाह काफ़ी कोशिश अच्छी है। और क्वालिटी में आप अगर बकरों पे डालोगे तो काफ़ी क्वालिटी में जानवर है, और सारे गुलाबी में। वो आप सारे पले हुए के? यू जस्ट गॉट इट फॉर ट्रेडिंग पर्पस? नहीं नहीं नहीं, सारे पले हुए बकरे, एक साल पूरे पले हुए बकरे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पले हुए बकरे। चलिए, आपके बकरे सेट हो रहे थे, दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग टू यू। अभी आए बस? दे जस्ट जी जस्ट अभी आए हैं, अभी हम एक बजे। व्हाट इज योर फोन नंबर इफ एनीबॉडी वांट्स टू गेट इन टच विद यू? फोन नंबर आई विल गिव इट टू यू बिकॉज माय न्यू फोन नंबर। या ही नोज योर फोन, इंडिया दे रहे हो? या योर ऑर हिज? नो नो, माय योर्स। मेरा नंबर दे देना। इनका नंबर दो जी, मैं दे रहा हूँ। दैट्स ओके, मेरा मोबाइल है। पहले आप निकाल के रखो, थोड़े बकरे बता देते हैं। फाद भाई आपको भी काफी कोशिश की हमने। हाँ, मेरा ईमेल है ऑलवेज, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई आपसे। ऑलवेज कर रहे हैं मुलाकात हुई थी हमारी। हाँ, मतलब उनमें रॉयल गोल्ड फार्म पे अरफाज भाई आए थे। अरफाज भाई से भी पूछे थे हमने आपके बाद में, लेकिन आप काफी बिजी शेड्यूल देते हो, तो हिसाब से मुलाकात नहीं हो पाते। आप देख लो कौन सा है, तभी तक के बकरे बता देते हैं। जी जी प्लीज, आप क्या नंबर मिल गया? क्या नंबर है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम अयान। अयान जी के क्या नंबर है? ये मेरी बहन का लड़का है। 5288 2960 5288 96 290। एक नंबर मिसिंग है, बताओ ना। 5288 96 290, वन नंबर इज मिसिंग। आप ऐसे 9 नंबर दोगे तो बकरे कैसे बिकेंगे? 8369 8369 369 4604608 55 8555। मैं रिपीट करता हूँ, 8369 4608 55। ठीक है, प्लीज बस चल भाई, इस येलो को थोड़ा साइड में लो, वीडियो बात चल। मेरा तो 5 मिनट में सेट कर। क्या लगे रहे हो? इसको कौन अंदर बन? इसी का बना लेना, वो प्राइस बता रहा है। तुम्हारे हिसाब से बताओ। भाई
भाई 5 मिनट, भाई 5 मिनट दो मेरे को। किसका जाने सीन 1.50, ये भी 1.50, ये भी 1.50। क्या नाम है आपका? सेलिब्रिटी कहाँ गया? कैसी लगी? शिवाजी ने अच्छा माशा आए 30-35 तक मिले तो एक ले लेगी। बताइए जी फान भाई जी, फान भाई इसका नाम किंग है, किंग है इसका नाम, इसका नाम है किंग, इसका नाम है किंग। माशाल्लाह 6 रात पे है, फुल फरी है पफ के साथ में, ऑलमोस्ट 90-92 kg का है। देखो पर्सनली आई विल टेल यू दिस इज नॉट 92 kg, ये अप्रोक्सीमेटली 70 किलो के आसपास। नहीं हाँ, हमने 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 एक हफ्ता पहले इसका जानवर का वेट किया हुआ है 89-90 के आसपास जी वेट। हाँ अभी क्या बारिश का टाइम है तो अनाज कम हो रहा है। तो कितना है इसका? वैसे तो हम इनका 1.50 मांग रहे हैं, आसीम प्राइस है पर नेगोशिएबल है। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट 70-75 kg का बकरा यूर आसिंग 1,50,000। क्वालिटी है ना फात भाई, आप भी जानते हो, आप तो माशाल्लाह क्वालिटी में खेलते हो फात भाई। लेकिन ये क्वालिटी का रेट आसिम भाई है भाई, नेगोशिएबल है भाई, ऐसे कुछ नहीं है, हमने मांग दिया। सब लोग क्या देवनार में इसीलिए आते हैं, सस्ता दे देंगे आपके नाम से फात भाई, आपके नाम से दे देंगे। लॉस हो जाएगा फात भाई, कैसे लॉस होगा फात भाई, खरीदी महंगी है, खरीदी महंगी है, एक साल से पाल भी रहा हूँ। ऐसे मत करो यार, दिस इज लाइक जुलम फॉर एवरीबॉडी। हाँ 70-75 kg के बकरे का आ जाएंगे इंशाल्लाह, कोई शौकीन आ जाएगा ना तो सही लगा देंगे। ये वाला ये वाला जाने सीधे है भाई, पूरा थर्ड गुलाबी है, पूरा थर्ड गुलाबी है, फुल गरम बकरा है। कितना मांग रहे हो माशाल्लाह? इसका मांग रहे 120,000 जी। आपके लाख के नीचे कौन सा है भाई? बहुत है, बहुत है, मैं वही दूंगा इंशाल्लाह। देखो देखिए भाई, आप खुद देख लीजिए, ये देखिए भाई हैदराबादी क्रॉस कर रहा है जी, बिल्कुल वो तो उसी का अंदर है भाई। ये भाई ये अभी ये भी आपको, ये आपको क्या वेट लग रहा है भाई? ये मेरे को लग रहा है 90-95 kg का जी, 92 का ये भी है, वेट किया हुआ बकरा है, 6 दांत पे है, हैदराबादी क्रॉस है भाई, कान बांध देख लीजिए ठीक है, 6 दांत पे है बकरा। इसका कितना मांग रहा हूँ? 81,000। 80,000 रुपये मांग रहा हूँ मैं आपसे, बहस नहीं करूँगा, आप वही बोलोगे क्वालिटी। भाई कोई मूवी रिलीज नहीं हो रही है यहाँ पे, सेलिब्रेशन मोड है अभी, पहला दिन है भाई, पहला दिन है और पहले दिन में क्राउड देखो बहुत क्राउड है माशाल्लाह, बहुत क्राउड है, और पब्लिक ऐसी रही कि टेंट ऐसे कई सारे बाद जो तैयारी की गई है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बारिश के लिए काफी सेफ्टी में की गई है। बिगेस्ट इन द वर्ल्ड डेफिनेटली। चलिए नाक के नीचे वाला देखिए अभी, बिल्कुल आ गया भाई। ये एक है अपना भाई, ये मैं बताना चाहूंगा, मैंने एक रिजवान भाई के इस पे भी बताया हुआ है, बताइए। ये भी अपना 90 प्लस का बकरा है ठीक है, ये बेचे हम 75 में दे देंगे। कितने दांतों पर है? 6 दांत पे भाई, चेक करा दूं? नहीं दा सकते। ये खसी जोड़ी, ये खसी जोड़ी अपने घर की है भाई, घर की कुर्बानी के लिए है। ये 55 किलो का बकरा है, 55-60 किलो का बकरा है, इसे कितना मांग रहे हो? आप भी बता दो भाई, अभी जानवर तो आपका है भाई, थोड़ी खूबसूरती है वो हिसाब से, फराज भाई से लिया हुआ है हमने, भोपाल से, भोपाल से लिया हुआ है, फिर थोड़ा इसमें बीमार भी हो गया था, वो हिसाब से हम 60 मांग रहे हैं उसका। 60,000 भाई इनका प्राइस है, डोंट गेट स्केयर्ड। नहीं आके देख ले सामने, वो हिसाब से फिर सारा। और ये सब बकरे देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट सस्ते बकरे नहीं है, सस्ते बकरे ये दे दूंगा 40-40,000 में। कौन सा? ये वाला। और ये भी दे दूंगा 65,000 में। 65,000 को आप सस्ता बोलते हो यार, मनी की वैल्यू नहीं रही भाई अपनी, अब हमें लगाओ लागत, मैंने आपको बता दिया लागत, लागत है, कुत्ते पले हुए बकरे हैं। नहीं भाई कुत्ते तो अनाज का तो पैसा आते है ना भाई, हर चीज में आदमी का पगार है, सारी चीज है, नहीं थोड़ी है कॉस्टली चीज। चलिए थैंक यू सो मच, जजाक अल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? इमरान नाम है। हाथ में पकड़ा, हाथ में पकड़ा। चलो किसके साथ आ रहे हैं? बच्चे लोग को ले जाया था। कहाँ से रहने वाले? जोगेश्वरी ईस्ट में। जोगेश्वरी में हमारा चैनल
रोज भाई जैसे हम लोग वेट करते हैं आपका चैनल की बात ये तो बीच में भी आपका देखते हैं वापस परफॉर्म कर देते ना हां वो भी आपके सब देखते हैं थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगता है बच्चे लोग भी बहुत बड़े फैन है मेरे आपके बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है आपका नाम बोलो अली अली गाने गाने ये माइक है माइक है चलिए थैंक यू What's your name? Avesh. And where are you from? Jogeshwari. Jogeshwari, yeah. They watch your video very regularly. Where in Jogeshwari do you stay? SMG ke residence. SMG ke residence. Acha, piche, next question. They watch your videos regularly. Thank you so much. Thank you so much, yeah. Assalamualaikum. So, Jogeshwari ke bahut log mil rahe. Aapka naam kya hai? Shubhir. Kahan ke rehne wale ho? Jairam bhai. Saif. Imtiaz Ali. Maza aa raha hai pehle din? Haan, matlab itna aaye nahi. Uncha bolo, तैयारी कैसी लगी तो बहुत अच्छी है खिचड़ा खाए नहीं ठीक है चलो थैंक यू सो मच कहाँ पे कौन से साइड बकरे अच्छे देखने मिल रहे हैं यही और कहीं नहीं है और कहीं नहीं है इतना ही है अच्छा आई थिंक रो वाइज एलोकेट कर रहे हो ठीक है क्या हो रही है यहाँ पे मम्मू सब लोग वीडियो निकाल रहे हैं मेरा ही वीडियो नहीं आई डोंट नो इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है लोगों में देखने की क्यों कैंसिल करूं नहीं आएगा डिलीट नहीं आएगा आना चाहिए सर यार बहुत यार देवनार मैम वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो गया मम्मू मैं दो ही दिन आऊँगा उसके बाद नहीं आऊँगा मैं कोई और शहर जा रहा हूँ जहाँ कोई पहचाने नहीं चला बाजार तो आ गए हमारे हम्मास भाई हम्मास भाई हमारे को पूरा सिस्टम बताएंगे अभी चलो 5 मिनट बस मैं आ रहा हूँ कहाँ पे हो बस कॉल की नहीं डाले आपने वालेकुम मुजफ्फर भाई कहाँ के रहने वाले हो आप मोहम्मद रोड और कैसा लग रहा है संडे आज पहला दिन बाद भाई अभी तो कैसा है माल बहुत कम उतरा है मजा नहीं आ रहा है बकरे भी जैसे अपने 10 बकरे तो 1000 लोग है 10 बकरे 1000 नहीं 10 बकरे 2000 लोग 2000 लोग हैं ऐसे 2000 लोग तो आज तो मतलब सिर्फ पब्लिक टाइम पास करने भी आई और व्यापारी लोगों को मालूम है कि लोग टाइम पास कर रहे हैं तो ये टाइम पास वाला सीन चल रहा है हां डू यू थिंक देवनार इज सक्सेसफुल अभी इतनी मंडी हो गई है लोकल और फार्म से बकरे बिक रहे हैं आई थिंक दिस ईयर दे मेड अ लॉट ऑफ थिंग चेंजेस इफ यू सी दिस साइड ऑफ द शेड दे मेड इट वेरी वेरी क्लीन यू नो सो आई थिंक There are a lot of changes happen by the government this year. So the infrastructure has improved. The situation has improved. The people have been actually taken care of because last 2-3 years people was actually struggling with because of the rain. There are a lot of drainage in the system. I think that's because we have not gone through the litmus test. अभी बारिश हुई नहीं है ना? बारिश हुई नहीं है, but I think they must have taken care of a few things, you know, to take. आगे few क्या-क्या problems हो सकती है जो पानी भरने से क्या issues हो सकते हैं? I think. पानी भरने से भी बकरों के अंदर रेट्स में कुछ कमी नहीं आएगी बट मैं अभी रेट पूछा तो अंधाधुन रेट मांग रहे 1,50,000 60-70 किलो का पानी भरने से भी रेट्स कम नहीं होने वाले क्योंकि अब उनको मालूम है रेनी सीजन में भी इनको यहाँ पर आना है यहाँ पर रेट्स तो उतने ही रहने वाले आज तो पहला दिन है तो आगे चल के रेट्स कैसे कैसे होंगे जैसे बकरे आएंगे जैसे जैसे लिमिटेशन अगर कम होगी बकरे अगर मैक्सिमम आएंगे तो रेट्स कम हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द मैक्सिमम गोड रेट्स विल कम लो डाउन ठीक है लेट्स होप फॉर द बेस्ट हु ऑल हैव यू कम विद माय सन हिज नेम इज मोहम्मद मोहम्मद हम लोग उसको घर मम्मू बोलते हैं मोहम्मद अरे ये भी मम्मू है मम्मू मम्मू इज गैलेवेंटिंग इज अ सेलिब्रिटी नाउ अडेज but he's quite a big man I have seen he's become very tall no he became very tall Dimas is tiny only very which standard is right now must be 8th or 9th ठीक है pleasure meeting you sir yeah pleasure meeting you thank you तो आगे चले आगे मिलते बहुत लोग आ रहे क्या नाम है आपका खेड़ से यू कम फ्रॉम खेड़ अभी मैं था वहाँ पे इम्तियाज नाटकर के फार्म पे मैं देखा आपकी वीडियो वहीं आसपास रहते हो आप वहाँ पे दापोली में दापोली में जो ऊपर पहाड़ के ऊपर खेड़ के यहाँ पे 30 किलोमीटर है अच्छा अच्छा तो ओएस के भाई हो आप नहीं ओएस के यहाँ पे मेरा बकरा पलाई पे दिया हुआ है अच्छा रहते कहाँ पर दापोली में तो यहाँ पे क्या यहाँ पे मंडी पे ले आया था बकरे बेचने के खाली घूमने देखने के लिए घूमने कैसी लगी थैंक यू नॉट द बेस्ट टाइम टू कम और ये 3-4 दिन के बाद आना था चलो लवली प्लेस हाँ बाय द वे खेड़ चलिए थैंक यू
चलो अभी कहाँ पे वो बैंटम का प्राइस पूछता हूँ मुझे। तीन ही लगे क्या? अरे वहाँ तो बहुत रहेगी वहाँ पे। चल चल हम वो बूथ जाके कितने का? 10,000 में। रुक 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 10,000 में कन्विंस करना देने के। वो 10,000 में खरीद के लाना। अंकल ये कितने का बकरा? कितने का? 55 का। 10,000 में दे रहे हो? बोलो जल्दी बोलो। तो एड़ा बता रहा है भाई। अरे मम्मू मम्मू कैश दे रहा हूँ। अरे भाई सुनो ना। ए मम्मू दिस इज सपोज टू बी अ स्टिंग ऑपरेशन। इंटरव्यू लेने नहीं भेजा तेरे को? इधर आ तू, इधर आ। सैंपल सुनो, उसमें आ रही। मैं तेरे को इंटरव्यू लेने भेजा, वो लोगों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए तो इंटरव्यू लेने आया। गो एज अ कस्टमर, माइक छुपा तो तू उन लोगों को इंटरव्यू देने के लिए माइक दे रहा कैसे? क्या बोल रहे? अरे तो माइक मुट्ठी बंद करके ना, रुमाल रख हाथ में, मास्क रख, मास्क के अंदर माइक रख, कस्टमर बन के जा। तू तो ब्लॉगर बन के जा रहा है, अब दूसरी जगह चल, लोगों को पता चल गया। इधर आ, एकदम एपिक फेल है। चला हाँ तो आएगी ना ऑब्वियसली, हर दो कदम में कोई ना कोई आके मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्यार देने के लिए। क्या नाम है आप लोगों का? साज मोहम्मद साज मुमरा की गैंग है। ये विक्रोली, मुमरा में रहता हूँ। मजा आ रही है आज। बाजू 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 बाजू। मेजोरिटी यही बकरे देखने मिलते हैं, अलवरी बकरे, लेकिन इनको पता नहीं कोई पालता नहीं है फार्म पे, कोई नहीं पालता। हेलो थैंक यू सो मच, लवली मीटिंग यू, चलिए अल्लाह हाफिज। कोई बड़ा बड़े अंडुल कहाँ पे? यहाँ पे कोई देखे आपने? अभी तो हम लोग आपने वीडियो बनाया वही एक, वो तो छोटे छोटे है, और कोई नहीं है। ठीक है अभी बस आए रात में, आपकी वीडियो देखा। हाँ रात में आने वाले थे लेकिन अभी निकल गए। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू अल्लाह। क्या नाम है आपका? मम्मा जी बकरे बहुत महंगे भाई। कहाँ पे बकरे है अच्छे? कोई एफएससी एंटरटेनमेंट नहीं अच्छे, बकरे नहीं अच्छे, सच्ची भी नहीं अच्छे। मत दिखाओ मत। किसका बकरा है ये? आपका? अस्सलाम वालेकुम। आपका बकरा है? अस्सलाम वालेकुम। एक ही हमारा? आपका नहीं है? आप देखने आए? कैसा लगा आज? अरे अभी तो गुस्से में रश इतना है कि समझ नहीं आ रहा। अगर इंसान खरीदना होता तो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, बकरे बहुत कम है, बहुत कम। हर दिन ऐसे ही होगा। पहला दिन होने की वजह से माल भी कम आया। साइक्लोन के हिसाब से लोगों को कितना लगा है बोर्ड पे? 10,400 भी होता है। टाइम होगा, अभी तो पहला दिन है ना। दिन के अंदर इंशाल्लाह माल फुल हो जाएगा। इतनी जल्दी कोई लाता भी नहीं है बिल्डिंग में, खाली ये पब्लिक है देवनार का मजे लेने जाती है। आइडियली 3-4 दिन पहले ही पब्लिक। संडे भी उस हिसाब से ज्यादा रश है। आप लोग कहाँ पे रहते हो? नागपाड़ा से ले लिए कुर्बानी के लिए? तो बस बस। क्या है टारगेट यानी खसी अंडुल बड़े 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 वाले बड़े? कितने कुर्बानी? 70 किलो 80 किलो नॉर्मल बड़े, ज्यादा बड़े भी। आपको क्या लगता है 70 किलो का कितना रहना चाहिए प्राइस? 70 किलो का मेरे हिसाब से होना चाहिए 40,000 रुपए का। फार्म पे वही 500-600 चल रहा है? 650 तो ठीक है। आपको लगता है फार्म का प्राइस ठीक है? तो फार्म छोड़ के यहाँ पे आने का मकसद? कौन कौन? देखो ये पर क्या नाम है आपका? फैज। आपका? इब्राहिम। गुड गुड। एक्चुअली बताया बच्चे ही ज्यादा मजे लेते हैं। आपके एकदम क्रेज हो गया था लास्ट टाइम, आपको वीडियो दे दिए थे कितने 9:30 बजे आप मिल गए थे। जी जी दीवाने आपको मिले थे। चलिए
बहुत बहुत ये आज रात को आधी रात को हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट करो बगमैन मिलेगी। चलिए थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। घुस जाता तो फिर हाँ मैं तो ऐसे मम्मी के लिए रिकॉर्ड कर आपके बकरे भाई की मम्मा इधर ही यहाँ धक्के पे वहाँ जाओ। सलाम वालेकुम, क्या नाम है? देख देख पूछ रहे देख। क्या नाम है आपका? हुदा। हुदा घूमने आए हो? कहाँ के रहने वाले हो? नेरल। नेरल से यहाँ पे आए ऑल द वे? एंजॉय करो, थैंक यू। आई थिंक दिस मेक्स मी फील वेरी हैप्पी बिकॉज सो मेनी पीपल नो एफएसए एंटरटेनमेंट एंड दे आर सो हैप्पी टू बी ऑन माय चैनल। तो 10,454 वोट। आई एम वेटिंग फॉर हम्मास, यहाँ पे डीएमसी में काम कर रहे हैं। हेलो हम्मास, वेयर आर यू? हम्मास हम्मास इंडिकेटर के पास खड़ा हूँ मैं, आ जाइए। हाँ इंडिकेटर के पास, कम कम इंडिकेटर के एग्जैक्टली नीचे खड़ा हूँ। हाँ कम कम फास्ट। चैनल का नाम मम्मी के लिए बना रहा हूँ, मम्मी को देखना बहुत पसंद है, आ नहीं सकते हैं। आप लोग भी बनाओ। हाँ हम लोग घूमने आए आज, बकरे की आवा की है भाई। 30 लाख का बकरा खरीदना है, 30 लाख का मिल ही नहीं रहा बकरा। क्या क्या 30 लाख का बकरा खरीदना है, मिल ही नहीं रहा। देखो हमारे हम्मास भाई, हम्मास गुड टू सी यू, हाउ हैव यू बीन हम्मास? हाउ हैव यू बीन? कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। एक साल पहले मिले थे हम्मास, हम्मास कम कैन यू एक्सप्लेन अस भाई क्या है, हाउ डज दी एंटायर सिस्टम वर्क? ये कितना देर पुराना है भाई की आईडी? अभी तो कुछ बोल नहीं सकते कि अभी तक है, बट टेंटेटिवली कितना घंटा पुराना होता है? कम होगा एक से डेढ़ घंटा। ये एक से डेढ़ घंटा पीछे होता है इंडिकेटर, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश में तो है नहीं, ये सिर्फ बकरों का है क्या? बकरे और भैंस से मिला के ओनली बकरे का है ये। तो एंट्री जो है 10,454, डीके 206 माइनस करो तो इतना बचे हुए हमारे। अच्छा अरेंजमेंट तो ये बार बहुत अच्छा है, पक्का कर डाला सारा माशाल्लाह, इस बार सब कुछ पक्का है भाई। इस बार ना कोई कुछ जान नहीं सकता, किसी का बकरा कुछ चोरी नहीं हो सकता। तो गए बार हुए थे चोरी? नहीं नहीं हुए थे ना, हम जब तक एक्चुअली। हाँ तो आपकी तो बॉडी देख के पता चलता है डरेगा चोर आपसे। चलिए द थिंग हियर इज ये जो कच्चा था ना ये पक्का कर डाला, आई थिंक दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग है ना, बहुत अच्छा सेटलमेंट है। चलिए हम आज कहाँ पे घूमे? वहाँ पे घूमे, वहाँ से तो आ रहे हैं, यहाँ से वहीं से आ रहा हूँ, बहुत गिरती है वहाँ पे। वहाँ पे कुछ है बकरे? उधर नहीं है, स्टार्टिंग नहीं है कुछ, बता तो दे क्या है। बहुत लाइट है, आओ चलो ना आप दिखा दो। चलिए कहाँ है बाकी? फिटिंग पे
लियो बेटा, क्या नाम है सर आपका? मोहसिन भाई, कितने का लियो? 15,000 रुपीज़ का। 15,000 का, गुड गुड। YouTube चैनल प्रमोट कर देना भाई, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। व्लॉग्स बाय फातिक। फातिक किसका व्लॉग डालते हो? मैं बकरे का सब कंटेंट डालता हूँ, बिल्ली का, बकरे का सब डालता हूँ, जानवरों का। हाँ ठीक है, सब्सक्राइब करो इंशाल्लाह। एटलीस्ट 10,000 पहुँचा दो फटाफट। मम्मी के लिए बना। एफएसएन। थैंक यू। कुछ खाओगे पियोगे आप? नहीं नहीं, यहाँ का तो नहीं खा सकता हूँ यार, बीमार पड़ जाते हैं। चंगा बीमारी पड़ जाओगे। गंदगी बहुत है। हाँ आपकी टीम है क्या? आपकी टीम आई क्या? नई टीम क्या? मम्मू है, घूम रहा है। मम्मू है, भतीजे है, दीपस है। जी जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैजान। देखते हो हमारा चैनल? क्या देखते हो? अभी तो बकरे का आपने डाले थे, बर्बरी हो जो। हाँ बर्बरी, जेडी गोट फार्म का। ठीक है, कहाँ पे रहते हो? हम लोग इधर शिवाजी नगर। ठीक है, एंजॉय करो। क्या लग गया मार? बैट बॉल खेल रहा था। ठीक है, चलो बी सेफ। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? मुसाब। हाँ मुसाब, मुसाब। और कहाँ से रहने वाले? आपका सब्सक्राइबर येलो फील जब चैनल बनाए थे जब से। वेरी नाइस, वेरी नाइस टू मीट यू। थैंक यू। चलिए येलो फील्ड भी मेरा है। मम्मी के लिए बना रहा हूँ बेटा, मम्मी के लिए बना रहा हूँ। मम्मी को मजा आता है देखने ना, आ नहीं सकते। मम्मी के लिए बना रहा हूँ, चैनल नहीं है अपने घर के लिए बना रहा हूँ। हाँ है येलो फील्ड, अभी डालूंगा इंशाल्लाह। यार इतना गर्म है, इतना गर्म है। मम्मी के लिए बना रहा हूँ। चलो दोस्त ही बकरे उतारे इस बार, उसके बकरे अपन देखेंगे। अजमेरी बकरे उतारे बहुत बढ़िया है। चलो अजमेर एक हंसा है, एक अपना बकरे का नाम बताओ। अजमेरा हंसा। आयान कुछ बनाया रील्स? चलो मम्मू किधर है? मम्मू मम्मू के साथ बोल रहा हूँ। मम्मू किधर है? ठीक है इधर ही। मम्मू भाई बनाए कि नहीं कुछ? बना ही नहीं रहा वो। तो तू तेरे मोबाइल से बनाना। बर्बरी बर्बरी बर्बरी, हमास हमास बर्बरी। भाई किसके? आपके भाई? आपके बकरे आपके हैं? 400 ऊपर है। 25 दे देना भाई। बकरे किसके हैं? आपके क्या? उनको इधर से बात कर सकते हैं हमसे? जी अस्सलाम वालेकुम, आपके बकरे हैं सर? दो मिनट बात कर सकता हूँ आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जुल्फिकार। कहाँ के हो? कहाँ से रहने? संभल से आए हो? यूपी। मुरादाबाद में भी तो ताहरपुर में एक मंडी लगती है, तो वहाँ पर नहीं गए आप? ताहरपुर में लगती। वहाँ पर नहीं गए? वहाँ पर लेके नहीं गए जानवर? वहाँ से भी आता है ना। तो वो कब लगती है? यानी कोई एक दिन लगती है क्या? मंगल में लगती है। लेकिन अभी बकरा ईद के पहले रोज लगेगी? चल जा तो काम चले, तो यहाँ की पुकार होती है, बम्बई वाली लेकर आओ। अच्छा, यहाँ पे जाहिर सी बात है ज्यादा दाम मिलता होगा, है ना? मैंने देखा था इंटरनेट पे वीडियो, बहुत अच्छी है ताहरपुर की मंडी। इसलिए बताइए अभी क्या लेके आए हो? सारे बर्बरी तो फेमस है मुरादाबाद की। सारा फेमस है बकरा, है ना? मुरादाबाद में हर एक बंदा बर्बरी पालता है, ज्यादातर वही पालता है। जी बताओ क्या रेंज के मिल जाएंगे बर्बरी बकरे? सब जैसे माल होता है ऐसे रेट होते हैं इसका। एक रेंज बता दो कितने से शुरू हो रहा है? 30 का, 35 का। देने वाला दादे, मांगने का तो कुछ भी मांगोगे आप, देने वाला नहीं। कितने में छोड़ देते हो? छोड़ना ये हो गए मेरे ख्याल से 45 किलो हो गए होंगे अप्रोक्सीमेटली। 30 की रेंज में होता है। कितने से स्टार्ट हो रहा है? 15,000 का मिल जाएगा? 15 का छोटा बच्चा मिल जाएगा? छोटा बच्चा। अभी ये सामने जो खड़ा होगा ये काला सफेद, ये कितने का मिलेगा? 25,000 रुपए। ठीक है, इनके पास से लेना है तो बाड़ा नंबर क्या है अपना? 34S134। ये कितने दांतों पर है जनरली? दो दो दांत के है क्या बड़े बकरे? दो दांत का बिकता है। नंबर क्या है आपका? नंबर पे चलाते नहीं। नंबर नहीं चलाते हो? ठीक है, तो 34 नंबर भाड़े पे आ जाइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।
मांस कैसे लगे बकरे? अम्मा से यार हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत कंजेस्टेड है, बहुत कंजेस्टेड है भाई, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। पहली बार ऐसा है ना कि पहले दिन तक बकरे 10,000 बकरे आए हुए थे, जी जी। क्या नाम है आपका? अबू तलहा। कहाँ के रहने वाले हो? चेंबूर। गुड टू सी यू। आधा समय मेरा यही जवाब देने जाता है, एफएसए वाला हूँ। ये बार अलवरी कम है ना, अजमेर बहुत है। भाई आपके हैं? नहीं है, नहीं कहीं गए। नहीं अरे लगे वो तो मेरा है नहीं, वो तो मेरा है नहीं, मत करो लगे, परेशान है बैठे बैठे, मैं परेशान हूँ। पहले मैंने भी तो 3 साल से आपके सब्सक्राइबर है, बात दिखे। आपका नाम क्या है? अबू तलहा। अच्छा तलहा, हाँ। कैसा लग रहा है, मज़ा आ रही है? बहुत कंजेस्टेड है ना? बहुत कंजेस्टेड है। आप जैसा हैंडसम नहीं हो ना, आप ही तो एक हैंडसम हो आज मालूम पड़ा। मैं बोला आप जैसे हैंडसम नहीं है ना, बोला हम लोग करते हैं, हम तो भाई बुड्ढे लोग हैं, बुड्ढे लोग हैं हम लोग, क्या बताएं, बुड्ढे हो भाई तुम, मेरे लिए फिर आपने आ जाएगा इंसान। बहुत गर्म है यार, बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। चलो इंजॉय करो, कोई अच्छी जगह बड़े बकरे दिखेगा? बड़े बकरे हैं ना। कहाँ पे? यहाँ से आप फर्स्ट वाले में जाओ, जैसे घुसोगे राइट साइड में चौथे वाले में, एक है 120 किलो तक। क्या बात कर रहे हो, कहाँ पे? राइट बहुत बजट में, कहाँ पे? यहाँ से जाओगे ना फर्स्ट वाले में, हमास वो 120 किलो के बकरे, अंडुल खस्सी, खस्सी भी अंडुल भी है। चलो देखते हैं, 12 नंबर 28 इधर खड़ा है ना, है नहीं ना, इनका ओनर भले है वहाँ पे है भाई, कितना मांग रहे इसका? अच्छा घर का, चलो बाहर जाते हैं तो आज मजा नहीं, पसीने से लथपथ हो रहा है। बात इसे पूछता हूँ मैडम से, कितने वो मैडम कितने का है जोड़ी? 4.5 लाख रुपए की। आपके हिसाब से कितने किलो का है? हाँ अच्छा, ये वो 4 बकरे जिसके लिए उस दिन इतना भाग दौड़ करे थे आप, कौन से और दो कौन से? सवा 100 किलो के बकरे बोल रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो वाला बकरा जो है ना वो 95 किलो का है, ये भी उतना ही होगा, 95 किलो के बकरे का 4-4.5 लाख मांग रहे हैं। कैसे नहीं अब भाई, धनी जो बोलता है उसके हिसाब से नहीं, वो तो है, ये तो दाम करना ग्राहक के ऊपर है एक्चुअली, ये तो हाँ वो बात तो सही है, इनके बकरे हैं, दो ही बकरे सर, कुछ 9500 kg का बकरा है, कितना बोला इन्होंने? 125 किलो, 125 किलो बोला है, 4.5 लाख रुपये, 4.5 लाख रुपये मांग रहे हो आप, आस्किंग प्राइस है। ऐसा क्या है इसमें जरा ये देखिए, आज खूबसूरत चीज़ तो आजकल लोग 600 रुपये किलो भी दे रहे हैं, 700 रुपये किलो भी दे रहे हैं, घर के पाले हुए हैं, बट जो खरीदने आता है उसको क्या फ़र्क पड़ता है, घर से पाले या कहीं से? जानकार आदमी है उसको फर्क पड़ता है, हम भी तो जानकार थोड़े हो गए, इतना गोली दवाइयों वाला नहीं है, घर का पाला हुआ है, जैसे छोटे बच्चों को पालते ना वैसे पाले हुए बकरे, प्यार का दाम मांग रहे हो क्या? क्या क्या अंकल भी साथ, ये बहुत फेमस डायलॉग है, देवनार का 90 से सुनते आ रहा हूँ, अंकल भी साथ, आंटी भी है वहाँ पे? नहीं आंटी नहीं, आंटी ज़्यादा हो जाएगा। चलो गर्म क्या हो रहा है, बहुत गंदा गर्म है यार, एक्चुअली वेंटिलेशन ही नहीं है यहाँ पे, संडे को
Actually, I don't think this is the right time to come to Devdar. What awareness would you like to spread? बात भाई सबसे पहली बात तो ये है कि अपन लोग जब बकरा खरीदते किसी भी कोई भी व्यापारी से जी अम्मास क्या कह रहे थे आप अवेयरनेस फैला रहे हो जब भी हम किसी भी बकरा खरीदते फात भाई तो व्यापारी का आईडी कार्ड का फोटो रखेगा सबसे पहली बात तो गेट पास नहीं देखने के लिए कहा कि भाई बाहर कोड वाला गेट पास है उसके अलावा कोई गेट पास है तो आपका बकरा बाहर नहीं अंदर जाते तो ऐसा है तो फिर रस्ते पे क्यों अलाउ करते हो आप बकरे बेचना रस्ते पे अलाउ नहीं करते फादर बाड़े में बेचो पर ऐसा है कि भाई दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे ये भी एक व्यापारी बात सही है क्योंकि अंदर का भाड़ा मिल गया तो वेरी डिफिकल्ट अभी जैसे अंदर खाली पड़ा हुआ है भाड़ा मिल भी गया तो लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ बाहर लेके आनी पड़ेगी दिखेगा नहीं तो दिखेगा किस बात में बिल्कुल बिल्कुल तो क्या देखना चाहिए उनका आईडी कार्ड देखना चाहिए व्यापारी का आईडी कार्ड का अगर सबसे पहले गेट पास देना है उसमें क्यूआर कोड मैंडेटरी नहीं चाहिए क्यूआर कोड वाला गेट पास नहीं चाहिए उसके बाद आप व्यापारी के आईडी कार्ड का एक फोटो ले लो कि इनके से अगर आपके बकरे में कुछ शॉर्ट निकलता है या बकरा आपके पास नहीं है तो व्यापारी को ला सकते हो ओके ओके कि हमारी टीम के बंदे बाहर हैं वो आपको कोऑपरेट करेंगे आप लोग उनको कोऑपरेट करो अच्छा कोई बकरा यहाँ से ले लिया तो व्हाट इज द प्रोसेस कहाँ पर निकलना है अभी धक्का गेट से एंट्री तो बंद हो गई एग्जिट चालू है एंट्री बंद है यहाँ से एंट्री बंद है हम लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ से आ रहे अलाउ नहीं किया गया तो थोड़ा इशू है कुछ चालू है ओके अभी आप लोग को आने के लिए 5 गेट्स हैं तो अगर ऐसे आप आ रहे हो तो आपको कोई से भी गेट से आप आ सकते हो ओके अगर नहीं आ रहे हो तो आपके अगर बकरा ले आना आपको तो 5 गेट है अपना गेट नंबर 6 गेट नंबर गोंडिशनल गेट जो है वो फिर अपना धक्का के जिस बाजू में गेट नंबर 12 ओके वो गेट नंबर 13 जस्ट सामने रोड पे गेट नंबर ओके 5 गेट्स अभी अलाउ है स्टार्ट है 5 गेट्स आप कहीं पे भी बकरा आप अपना निकाल सकते हो और एक बकरा अगर किसी ने खरीद लिया लेके जाने के लिए कितना खर्चा आता है मैंने वो पास लेते ना पावती कस्टमर्स के लिए नहीं पावती कस्टमरों के फ्री है तो हर बार तो लेना पड़ता था ना नहीं व्यापारी लेते ना व्यापारी लेता है कितने रुपए का वो व्यापारी लोग को पता है बीएमसी को पता है ओके चलिए और खाने में क्या मिलता है अच्छा यहाँ पे हाँ आप क्या खाते हो यहाँ पे रहते हो तो हमारे तो आता बाहर से बाहर से आता है यहाँ का मजा नहीं आती है हम लोग यहाँ से खाते नहीं हम लोग वो खिचड़ा विचड़ा है कि गायब हो गया है ना खिचड़ा विचड़ा नहीं नहीं देखेंगे एटलीस्ट फिर मम्मू उम्मू को ले लो ले भाई एक क्लाइंट अस्सलाम एक सेलर मिल गया क्या नाम है आपका सर नदीम नाम है नदीम भाई हम जोगेश्वरी के रहने वाले हो मैं बिल्डिंग के सामने ही रहते हो फैजान अपार्टमेंट में जी भाई ठीक है बकरे लेके आए हो लेकिन आपके साथ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गई देवर सपोज टू बी ये मिलत नगर में उतरने वाले तो यहाँ पे देवनार में कैसे गाड़ी यहाँ पे उतरी एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ था कि 18 को परमिशन मिला था कि 18 को बकरे आप जहाँ पे भी लाओगे तो 18 के बाद लाना है जी जी और हमने लेके आ गया था 16 को तो दहीसर टोल नाका से हमारी गाड़ी को पकड़ के यहाँ लेके आ गया था वो रीजन से 2 दिन बकरे यहाँ थे अब लोड करके इंशाल्लाह मिलत नगर चले जाएंगे अभी देखो जो साइज के आपके पास बकरे हैं मैंने कुछ दिन पहले धुले में भी वीडियो बनाया था ठीक है वो तो अलग रेट था उसने खुद सस्ते में लिया था 425 जी अभी हाल ही में बनाया संजरी गोट फार्म पे 500 रुपए किलो भी है 550 भी है 650 भी है आपका क्या रेट चल रहा है मेरे पास भाई देखो वेट के हिसाब से बोलूं ना तो वेट स्टार्टिंग वेट हो रहा है 60 केजी से तक है जी हो रहा है जी और जो हाईएस्ट है वो 115 केजी तक है यहाँ पे नहीं है जो मिलत नगर में ऑलरेडी खड़े ये लॉट जो तो ये ऑन एन एवरेज ये 65 के है जी एग्जैक्टली 65 रुपए किलो दे रहे हो ये क्या दे देंगे 590 में 590 के जी दिस इज योर आस्किंग प्राइस नेगोशिएट कर लो स्लाइटली नेगोशिएट हो ठीक है नंबर क्या है आपका 9167650699 व्हाट इज योर फुल नेम नदीम मिर्जा सो ये मिलत नगर में जाएंगे नदीम कुछ बकरे बताओ कितने दांतों पर रहेंगे बकरे ये 2 दांत और मैक्सिमम 4 दांत उसके ऊपर 6 दांत पे एक भी बच्चा नहीं नदीम हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन देवनार मजा आ रही है आज तो फर्स्ट डे था और जो हिसाब से हमको आज प्रॉब्लम हुई है तो जरा एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा था क्योंकि हमका हमारे बकरे फंस चुके थे वो निकालने में हमको था हम घूमने नहीं आए थे कैसे फंस गए थे वही आपको जो बताया 18 को एंट्री करना था बॉम्बे के अंदर तो 18 था हमने 16 को लेके आ गए थे तो दहीसर चेकनाका पे हमारी ट्रक पकड़ लिए थे और उन्होंने डायरेक्ट देवनार में लाके बकरे उतार दिए तो 2 दिन कस्टडी थे आपके सामने ये पूरा बकरा आप देख लीजिए ये कहां का माल है 2 दिन खाए हुए नहीं है तो ये कंडीशन है गुजरात का माल है ये 2 दिन खाए हुए नहीं है तो ये कंडीशन मिलत नगर में तो और भी मंडी लगती होगी एग्जैक्टली कहाँ पर लोग मिलत नगर में जिमखाना है जिमखाना में एक टाइकोंडो शेड है वो शेड के अंदर ही अपना लगा है वो जैसे आप एंटर करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे पहला बाड़ा ही हमारा है मिलत नगर टाइकोंडो शेड के पास जिम का ग्राउंड है ना बस उसके अंदर ठीक है तो ये बकरे हैं 590 इज द आस्किंग प्राइस है नेगोशिएबल है स्लाइटली नेगोशिएबल थैंक यू सो मच कुछ बकरे बताए एक बकरा बहुत खूबसूरत लगा ये वाला बताओ बड़ा खूबसूरत है मम्मू को पसंद आया क्या बकरा मुझे कौन सा चॉकलेट ही बकरा देखिए
इनको और कुछ काले पकड़े, इसका शेप इसका लेंथ देखिए बकरे, खूबसूरत बकरे हैं और भरे हुए हैं माशाल्लाह। ये रखना भी अराउंड 70 केजी का होगा जी, 70-72 केजी के आसपास का होगा। और ये चार दांत पे खड़ा है बकरा, ये पूरा बाड़ा आपको एलोकेट किया गया? नहीं नहीं, ये तो हम बाहर खड़े थे तो बहुत ज़्यादा बकरे भी थक चुके थे और हमारे जो कजिन थे वो सारे थक चुके थे, तो मैंने पुलिस वाले से परमिशन लेके थोड़ी देर के लिए अंदर लेने खड़ा किया। कस्टमर बहुत परेशान कर रहे हैं। व्हेन आर यू लीविंग फ्रॉम हियर? पास का वेट कर रहे हैं, पास और 10-15 मिनट में पास मिल जाएगा इंशाल्लाह, तो हम ट्रक में लोड करके निकल जाएंगे। ओके ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कैसी इसके एक्सपीरियंस? हम लॉगिंग वगैरह का 2017 से मैं कर रहा हूँ। मुझे कितने में लिया भाई साहब? कितने में लिया आपने बकरा? 18,500। कितना बोला था पहले इसका? 24,000 बोला। तो कहाँ से मिला? इधर मंडी से लिवाजी वाले मंडी। आपका नाम क्या है वैसे? रियाज सर। और कहाँ के रहने वाले हो? लोखंडेवार, चेंबूर लोखंडेवार। गुड गुड, थैंक यू। एक मिनट ये वीडियो बताओ ना। यहाँ पे पागल मंडी हुआ करती थी एक जमाने में। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने खरीदे हो क्या? क्या नाम है आपका? महमूद नाम है। कहाँ के रहने वाले हो आप? कुर्ला। कितने में मिला? 33। देखो महमूद भाई, आपकी पॉसिबल बताएंगे। देखो फाद भाई, बारकोड है, गेट पास होता है, ये बारकोड वाला गेट पास आपको कैरी करना है। किसी से भी आप खरीदो आपको ये गेट पास मिलेगा, इसके अलावा कोई और गेट पास मिलेगा। अब जब गेट पे जाओगे ये गेट स्कैन करेगा, गेट पे जो ऑपरेटर रहेगा उसको स्कैन करके इसका आधा हिस्सा फाड़ के अपने पास रखेगा, ये हिस्सा फाड़ के रखेगा, ये हिस्सा आपको देगा। okay. आपको इसको संभाल के रखना है जब तक कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी में अगर बीच में अगर इनके बकरे में किसी बकरे में कुछ इशू निकलता है तो व्यापारी से अगर आप अपना कॉन्टैक्ट करके अगर कुछ चेंजेस होता है तो अगर व्यापारी करना चाहे तो आप इसके थ्रू है ना बकरा वापस से चेंज करा सकते हैं उनको। व्यापारी अग्री तो करना चाहिए, ऐसा कौन सा व्यापारी इतना दिलदार होगा? होते हैं व्यापारी, करते हैं व्यापारी, एग्री करते हैं। तो आप नसीब वाले हो गए जो व्यापारी एग्री करेंगे। माल बिका मुसीबत गई वाले है ना। चलिए थैंक यू सर, बताइए सर चला गया कितने किलो का होगा? 65 किलो का होगा, 65 के आसपास। गुजरी है, गुजरी अंडूल है। कितने दांत पे? 4 दांत। अच्छा, बहुत जल्दी नहीं ले लिया आपने? बहुत जल्दी नहीं ले ली, हाई में ले लिया, पसंद आ गया। अभी वो 65 से 55 हो जाएगा घर जाके। कुछ नहीं कर रहा है वो। चलिए बहुत जल्दी पब्लिक जल्दी। अरे ये अच्छा बना दिया ना बारिश के लिए, अभी टेंशन नहीं बारिश का। देखो तो हमास ये बहुत अच्छा घर डाला, पूरा परमानेंट घर डाला। आई थिंक ये हमेशा रहेगा ये ना, कि ये खाली बकरा ईद के टाइम पे रटा देंगे। गुड, मम्मू खिचड़ा खाने का क्यों ऐसे? नहीं पेट खराब है। तो खाया था अभी 2 साल पहले और बीमार भी पड़ा था। पर रिलेटिवली क्लीन लग रहा है क्योंकि ज़्यादा बकरे उतरे नहीं है ना, इसीलिए वरना आई थी धूल मट्टी उड़ती है। पूछो कहाँ पे लेके जा रहे हो मम्मा? चलो थोड़ा आगे अपन देखते हैं, काफ़ी बकरे थे ये, कल तक मिलेगा ना मम्मू भी। मम्मू पूरा खाली है सर? खाली कराए क्यों? दूसरे बकरे भी आने हैं ना, कुर्बानी भी आने हैं ना। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने बकरे आएंगे ये बार? 2 लाख होगा मिनिमम। 2 लाख? 2 लाख बकरे, 2.5 लाख का तो ट्रायल के लिए, 2.5 लाख एक्सपेक्टेशन। 2.5 लाख कैपेसिटी है मेरे ख्याल से, एक्सपेक्टेशन मेरे ज़्यादा कैपेसिटी है, एक्सपेक्टेशन रखिए 2.5 लाख का, पर 2 लाख तो मिनिमम होता नहीं। चलो लास्ट ईयर 186 या 187 जी जी एफ एस ए चैनल। क्या नाम है आपका? आमिर। कैसे मालूम आपको? मम्मू यहाँ से गेट नंबर देखिए। देख मम्मू इसलिए देखो नहीं लाता हूँ। चलो मम्मू एक फोटो उसके साथ ले ले रहे बच्चे के साथ। हाँ इधर आओ, इधर एक फोटो हो जाए। मम्मू इधर आ, मम्मू का मम्मू ये क्या लिखे लें? इधर आ, इधर आ मम्मू, इधर आ, देखो आना पड़ेगा। हम लोग मिलत नगर के। मम्मू क्या लिखे लाए? टॉयलेट। उसके ऊपर क्या लिखे लाए? हिंदी नहीं आती, पढ़ने नहीं आती हिंदी, पढ़ने। कोशिश तो कर, क्या लिखे लाए? आती नहीं है। तू कौन सी स्टैंडर्ड में? हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदी में। मैं कितनी में बताऊँ? हाँ मैं छठी में हूँ। छठ सिक्स में नहीं तो नाइन्थ में। उल्लू मत बना, बोल क्या लिखे लाए, कोशिश तो कर। सच्ची में नहीं आती हिंदी पढ़ने। चलो निकलते हैं मम्मू, चलो जाएंगे। मज़ा आया कि नहीं आज? बोर हो रहा।
माजन माजन मजा आएगा, बोर हो गया आज, बोर हो गया, बोलना कुछ है नहीं, दो तीन दिन के बाद आओ, कुछ माल है नहीं यार। आयान मजा आया? हाँ बहुत मजा, बहुत मजा, बकरे ही बकरे भाई लिए क्या के बेचने के लिए? बेचने के लिए बकरे भाई। तो यहाँ पे क्यों एक ही बकरा ले गया? नहीं भाई बाकी के बकरे आ गए। अच्छा जो मिल्लत नगर वाले हो? हाँ मिल्लत नगर वाले भाई। तो एक्सीडेंटली आ गए ना देवनार में? हाँ एक्सीडेंटली आ गए, वो ट्रक जमा कर लिए थे। ये 590 rupees के जी है, 600 rupees के जी, इसमें 590 वीडियो में बोला। वो FSA वालों को मिल जाएगा? नहीं भाई FSA वाले को तो 500 में मिल रहा है। ऐसा क्या गुनाह किया हम लोग? ये 10 रुपए ये खाएगा। निकल रहे निकल रहे, पूछ रहे भाई वीडियो कब डालेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल। अब्दुल कहाँ के रहने वाले हो? इधर ही शिवाजी नगर। अब्दुल मजा नहीं है ना आज? क्या मजा है आज? अभी कैसा गर्दी होगी तो तब मजा आएगी ना भाई। चलो थैंक यू अब्दुल, आज आ जाएगी व्लॉग। अब्दुल पूछ रहे क्या कब डालोगे, कब डालोगे? जी इंशाल्लाह रात तक की आ जाएगी। इंशाल्लाह लाइक जरूर करना। जी जी थैंक यू, थैंक यू। गोवंडी में हगना है, आ जाओ हगा दूंगा। देवनार में हग लो, आ जाओ। देवनार में हगना है, आ जाओ हगा दूंगा। गोवंडी में हगना है, आ जाओ हगा दूंगा। कहीं पर भी हगना है, देवनार में हगना है, आ जाओ हगा दूंगा। गोवंडी में हगना है, आ जाओ हगा दूंगा। कहीं पर भी हगना है, आ जाओ अच्छे अच्छे बाथरूम में हगा दूंगा। देवनार में हगना है, आ जाओ हगा दूंगा। गोवंडी में हगना है, आ जाओ बॉस हगा दूंगा। कहीं पर भी हगना है बॉस, आ जाओ अच्छे अच्छे बाथरूम में हगा दूंगा। भाई कितने में खरीदे सारे जानवर, कितने में खरीदे आपने? ये हम लोग ने 143 में लिए, 1,43,000 के पांच लिए। तकरीबन आई थिंक 75-80 किलो का जानवर है एक ये। आज का ब्लॉग Did you enjoy? Did you enjoy or not? नहीं इतनी मजा नहीं, बकरे बहुत कम है और अच्छे पब्लिक ज्यादा है। हां संडे था बोलिए, पब्लिक ज्यादा थी। हां पब्लिक ज्यादा, बकरे से ज्यादा तो पब्लिक है। ठीक है, यू गॉट टू बी मोर एंटरटेनिंग नेक्स्ट टाइम। ठीक है चलो। मालूम आते वैसे ना।